सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों का अर्थ है बजरंग बली की शरण में सब सुखी रहते हैं, और जब रक्षा करने वाले वो स्वयं हैं तो किसी परेशानी से क्यों डरना है। 80 साल के बुजुर्ग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल बाईपास सर्जरी के दौरान मरीज कान में हेडफोन लगाए 6 घंटे लगातार हनुमान चालीसा सुन रहा था और डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि बिना बेहोश किए बाईपास सर्जरी नहीं की जा सकती, लेकिन IGIMS पटना ऐसा करने वाला पूर्वी भारत का पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है। यहाँ के डॉक्टरों की टीम ने इतिहास रच दिया। सर्जरी के बाद मरीज कुशेश्वर यादव पूरी तरह से स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की टीम को भगवान का स्वरूप मानते हुए हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहे हैं। आँख हमारा बंद नहीं है, आँख खुला है, मुंह बोल रहे हैं जी, कान में हनुमान चालीसा, हमारा मुंह था जैसा और एकदम पूछ रहे थे, हनुमान चालीसा सुनते हैं, हनुमान चालीसा कान में, मुख में हमारा था ध्यान सावधगुरु वही भुगते थे। गुरु गोविंद दोनों खड़ी काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गुरु की प्रभाव से हम लोग ईश्वर का दर्शन कर लिए, ईश्वर यही डॉक्टर साहब सचमुच में ईश्वर हैं कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिए। दरभंगा के बुजुर्ग कुशेश्वर यादव को हार्ट बीमारियों के अलावा शुगर, अर्थराइटिस और अस्थमा भी है। IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि उम्र ज्यादा होने की वजह से अगर बेहोश कर सर्जरी की जाती तो मरीज का वापस होश में आना मुश्किल हो जाता, इसी वजह से कई अस्पतालों ने सर्जरी करने से मना कर दिया था। हालांकि परिजनों की मंजूरी और यहां के एक्सपीरियंस्ड डॉक्टरों की मदद से ये चमत्कार हो पाया है। ओपन हार्ट सर्जरी अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन होता है और बिना बेहोश किए नहीं होता है, ये सर्वविदित है। हम लोगों ने प्रयास किया कि ऐसे आदमी का ऑपरेशन करने का जिसमें बेहोशी संभव ही नहीं था। हम लोग के प्रयास, सम्मिलित प्रयास से इनका ऑपरेशन यहाँ अच्छा होना था। हम लोग प्रयास कर तो ये ऑपरेशन नहीं कराते, ये भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने भी अपना जो है सब कुछ हम लोग पर निछावर कर दिया। हम लोगों ने भी तन मन से लग के, हमारा पूरा स्टाफ, मेरे जितने कर्मचारी, मेरे डॉक्टर्स एक साथ लग के इस अच्छे कार्य को करके और मरीज को एक सफल जीवन देने में लाभकारी किए। डॉक्टर मनीष मंडल बताते हैं कि इस तकनीक का नाम है अवेक कार्डियक बाईपास सर्जरी। कुशेश्वर ने सर्जरी के दौरान हनुमान चालीसा सुनने की फरमाइश की। इस तकनीक में मरीज को सर्जरी के दौरान वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत नहीं होती। बाईपास सर्जरी के दूसरे दिन से ही मरीज बिस्तर से उठकर चल सकता है। कान में हेडफोन लगाकर हनुमान चालीसा सुन रहे कुशेश्वर यादव को 7 सदस्यों की डॉक्टरों की टीम ने बिना बेहोश किए ये ऑपरेशन पूरा किया। जी, ये ऑपरेशन में चूंकि सिर्फ सुन है तो उसकी बारी सब, बाकी सब क्रिया चल रही है, बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, तो उसको अब इनकी इच्छा थी कि वो हम लोग की आवाज़ सुने या और कुछ आवाज़ सुने, तो इन्होंने जब इच्छा जाहिर की हनुमान चालीसा की तो हेडफोन लगा के उनको हनुमान चालीसा सुनाया गया। कोई दूसरा गाना भी सुन सकता था कोई, लेकिन इनकी इच्छा के अनुसार हमने उसकी प्रतिपूर्ति की। कुशेश्वर यादव की सर्जरी आयुष्मान योजना के तहत की गई। इस सर्जरी का खर्च 2 लाख से 2.5 लाख के बीच आता है। प्राइवेट अस्पतालों में 4.5 लाख से 5 लाख रुपए तक खर्च जा सकता है। इस तकनीक से बुजुर्ग मरीज की ही बाईपास सर्जरी संभव है। ज्यादा उम्र के मरीज को बेहोश कर ओपन हार्ट सर्जरी करने में रिस्क रहता है, इसीलिए अवेक कार्डियक बाईपास सर्जरी कारगर साबित होती है। हालांकि लगातार हनुमान चालीसा ने कुशेश्वर को शक्ति दी इस पूरी सर्जरी में डटे रहने की। पटना से लोकल 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।